हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट निटिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये वाला डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये प्यारा सा डिज़ाइन आप लोग लेडीज़ के लिए, बेबी गर्ल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन आप लोग टोपी पर भी बना सकते हैं, जैसे बच्चों के टोपी में भी इस तरह का आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो ये हमारा 10 फंदों के मल्टीपल में डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, 7 फंदे डिज़ाइन के हैं, और बीच में गैप हमारा 3 का गैप है, 3 फंदों का गैप है, ठीक है। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी सीधी साइड है, ठीक है। डिज़ाइन की पहली सिलाई है राइट साइड, तो ध्यान से देखना। ये पहला फंदा इस तरह से उतारा, उतारना बनाना वो आपकी इच्छा है, परंतु मैं उतारती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहला फंदा उतारा, तो उसके बाद आगा अपनी तरफ। एक दो तीन फंदे, तीन फंदे अपनी तरफ बनाए, फिर धागा बाहर की तरफ। जो ये हमारे 7 फंदे हैं, ये 7 फंदे डिज़ाइन के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन 7 फंदों पर हमारा डिज़ाइन बनना है, तो वो आपने ध्यान से देखना। तो सबसे पहले 7 फंदों में से पहला और दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। जो तीसरा नंबर पे हमारा फंदा है, उसको हम एक फंदे का 3 करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक ये हुआ, दूसरा रोल किया, तीसरा फिर फंदे से निकाला, फिर बीच में जो चौथे नंबर पर हमारा फंदा आता है, इसको हम बिना बुने उतारेंगे। फिर से जैसे यहाँ पे, जैसे बीच का ये फंदा है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इस तरफ बनाया, तो सेम ये अभी 4 फंदों का इस तरफ ही बनेगा, ठीक है, 3 फंदों का, सॉरी। तो ये देखिए, जैसे हमने फंदा उतारा, फिर हमने इधर क्या किया था, एक फंदे का 3 करा था, अब सेम यहाँ पर भी एक फंदे का 3 करेंगे, पाँचवें फंदे का फिर से 3 करेंगे, 2 3 पाँच ये हो गए, 6 7, फिर 2 फंदे सीधे, ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3, फिर से धागा बाहर की तरफ, 2 फंदे सीधे डिज़ाइन के फंदे हैं, तीसरा नंबर का फंदे को हमने एक फंदे का 3 करना है, एक ये हुआ, दूसरा रोल किया इस तरह से, तीसरा फिर फंदे से निकाला, फिर बीच सेंटर में हमारा चौथा फंदा रहता है, चौथा को हम बिना बुने उतारेंगे, फिर से पांचवे वाले नंबर को जो फंदा है उसको हम 1 के 3 बनाएंगे, 1, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदे से निकाला, फिर से 6 और 7, 2 फंदे को इस तरह से बनाया, ठीक है। डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी सीधी साइड, फिर से सेम वही, 2 फंदे की सीधी बुनाई, फिर जो तीसरे नंबर वाला फंदा है उसको एक फंदे को 3 करना है, जो चौथे नंबर वाला फंदा है उसको बिना बुने उतारना है, जो पांचवे वाला फंदा है नंबर का, उसको हमने 1 का 3 करना है, फिर से 2 फंदे, सेम जैसे हम इस तरफ कर रहे हैं, सेम इस तरफ भी हमारा सेम रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई में ध्यान से देखना, दूसरी सिलाई में क्या करना है, हमने सारे फंदे अंदर की तरफ बनाने हैं, सिवाय जो हमने 1 के 3 फंदे करे थे उनको छोड़कर, ठीक है। अब जो हमने 1 के 3 फंदे करे थे, ये देखिए, जो 1 के 3 फंदे करे थे, इनको हमने बिना बुने उतारना है, इनको बनाना नहीं है, दूसरी सिलाई में रॉन्ग साइड, ठीक है। इसको ऐसे उतारेंगे, फिर बीच में जो हमने बिना बुने उतारा था, बीच का हमारा चौथा नंबर वाला फंदा, इसकी बुनाई करेंगे। तो ये जो बीच का जो हमारा फंदा है, इधर उधर हमारे दोनों ये जो फंदे हैं, 1-1 फंदे के जो हमने 3 करे थे, इनको हमने बनाना नहीं है, नहीं बुनना है, ठीक है, बिना बुने उतारना है, बाकी सारे फंदों की हमने अंदर तरफ बुनाई करनी है, इस तरह से। बस ये ध्यान देना, सिर्फ ये जो हमारे 3 फंदे आते हैं, 1 के 3 फंदे, इनको हमने बिना बुने उतारना है। फिर ये बीच का फंदा, तो
तो बीच का इधर उधर का जो तीन फंदे, बस ये ध्यान देना है, इनको इस तरह से बिना बुने उतारते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, ठीक है। फिर से ये देखिए, फिर ये जो एक के हमने तीन करे थे, इनको बिना बुने उतारना है। फिर बीच का जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था सीधी साइड, अभी जब हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे तब वहाँ पर बुनाई करनी है, ठीक है। जब हमारी सीधी साइड की बुनाई होगी तो ये जो बीच का फंदा है हम इसे उतारते हुए जाएंगे, बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं तीसरी सिलाई की ओर। तीसरी सिलाई राइट साइड, ध्यान से देखना। पहला फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक दो तीन फंदों की बुनाई करा, ठीक है। फिर धागा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी हमारा सेम वही है। ये जो हमने रॉन्ग साइड में बिना बुने उतारे फंदे थे और राइट साइड में भी हमने जो एक के तीन फंदे करे थे, अब ये तीन फंदों को हमने क्या करना है, तीन फंदों को इधर सामने लाना है और दो फंदों को, ये जो दो हमने सीधे बुनाई करे थे, इन दो फंदों को पीछे ले जाना है, ठीक है। बस यही करना है दोनों साइड। तो ध्यान से देखना इधर, थोड़ा सा कोई कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो इन तीन फंदों को हम इस तरह से उठाएंगे, फिर और दो फंदों को लेफ्ट वाले सिलाई में लगाकर पीछे लाएंगे, इस तरह से इधर लाया। फिर पहले हम इन तीन फंदों की बुनाई करेंगे, ये देखिए। और बुनाई कैसे करना है, इस तरह से, ठीक है। तीन फंदों को एक साथ, ये हो गए तीन फंदे। फिर अब ये जो सामने के दो फंदे इधर आ गए, फिर इनकी बुनाई करनी है। मतलब हमारे को दोनों साइड, जैसे दो फंदे हमने यहाँ सीधा बनाया था, दो फंदे यहाँ सीधा बनाया था, दोनों फंदे को हमने यहाँ बीच में लाना है और तीन फंदे को हमने पीछे ले जाना है। उसके बाद जो बीच में हमारा चौथे नंबर पर फंदा था, इसको हमने बनाना नहीं है, सीधी साइड में उतारना है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखना, फिर ये देखिए पीछे के दो फंदे हमारे, ये दो फंदे, इनको अब इन फंदे को हमने ऊपर से लिया, अब इनको हम नीचे से लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर इन तीन फंदों को हम इधर लेंगे, फिर दो फंदों को इधर लाएंगे, तो इस तरह से पहले फिर दो फंदों की बुनाई होगी। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड। अब इन तीन फंदों की कैसे होगी बुनाई, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इन तीन फंदों को एक करके इस तरह से बुनाई करना है। इस तरह से फिर ये हमारा डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से बनते हुए आएगा। तो धागा अपनी तरफ, बीच में जो हमारे गैप के तीन फंदे हैं उनकी बुनाई करेंगे, एक दो तीन, इस तरह से। फिर धागा बाहर की तरफ, फिर सेम वही तीन फंदों को सामने लाना है, जो एक के हमने तीन करे थे, इस तरह से। फिर दो फंदों को पीछे लाना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन फंदे, फिर इनकी एक साथ हमने बुनाई करनी है, पहले तीन फंदों की फिर दो फंदों की, इस तरह से। अब फिर यहाँ से इन दो फंदों को पहले सामने लाएंगे, फिर पहले दो फंदों की बुनाई होगी इस तरफ, फिर उसके बाद तीन फंदों की, बीच में जो फंदा है हमने इसको बिना बुने इस पर लेना है, ठीक है। फिर से इन दो फंदों की बुनाई करेंगे, फिर जाके इन तीन फंदों को एक साथ एक करेंगे, इस तरह से।
फिर धागा अपनी तरफ, एक दो तीन, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर से सेम वही तीन फंदों को इधर लाएंगे, पहले इन तीन फंदों की बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद दो फंदों की, एक दो, ठीक है। जब इधर की बारी आती है तो पहले दो फंदों की, फिर बाद में एक फंदों का जो तीन करा था उसकी बारी, ठीक है। बस यही फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं। एक दो, फिर ये तीन फंदों को एक साथ करके इस तरह से हमारा डिज़ाइन का शेप बन कर आएगा। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट। तो सिर्फ़ और सिर्फ चार सिलाई का डिज़ाइन है, तो चौथी सिलाई में क्या करेंगे हम, चौथी सिलाई में कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हमारी पूरी सिलाई रॉन्ग साइड की बुनाई होगी, ठीक है। चौथी सिलाई में अब हमने कुछ भी नहीं करना, सारे फंदों को रॉन्ग साइड अंदर की तरफ बुनाई करना है। इस तरह से चौथी सिलाई रॉन्ग साइड बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई रॉन्ग साइड बनकर कंप्लीट हो गई। तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों को कहीं कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली सिलाई में क्या करना है, दो सीधा एक फंदे का तीन करना है, बीच वाले को बिना बुने उतारना है, ठीक है। फिर से वही एक फंदे का तीन, फिर दो सीधा पहली सिलाई में सीधी साइड। रॉन्ग साइड आ गए, रॉन्ग साइड में क्या करना है, जो हमने एक के तीन बनाए थे उसको बिना बुने उतारना है, बाकी सब फंदों की बुनाई करनी है। फिर से तीसरी सिलाई में आ गए, तीसरी सिलाई में जहां हमने तीन का एक का तीन करा था उन फंदों को इधर उधर ले जाना है, और दो जो फंदे हैं दो फंदों को इधर बीच में लाकर बस वही बुनाई, बाकी बीच वाले फंदे की बुनाई नहीं करनी है। तो इस तरह से तीसरी सिलाई कंप्लीट करना, चौथी सिलाई हमारा सेम वही सीधी बुनाई, ठीक है। तो कहीं कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगी।